नमस्ते आदा आप सत मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ़ लाइफ टैरो आज जो मेरे फ्रेंड्स जिनका सन मून राइजिंग और वीनस कैंसर में है आ, मार्च का महीना आप लोगों के लिए प्यार में कैसा होगा ये एक लव रीडिंग है अगर कोई और मैसेजेस आते हैं वो भी मैं पढ़ूंगी लेकिन प्राइमरि दिस इज़ अ लव रीडिंग अगर आपको आपका मून राइजिंग और वीनस नहीं पता है तो नीचे मैंने कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक छोड़ा है आप जो हैं वहाँ पे आ, आपके मून राइजिंग और वीनस क्या साइंस में आते हैं वो देख सकते हैं अगर ये आपके साथ एजोनेट नहीं होता है तो यू कैन चेक दोज साइंस फॉर यू एज वेल आप एंजल माइकल माइ गार्ड एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली एंड द डिवाइन प्लीज यू वज्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन दाईज गुड फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव द सन मून राइजिंग एंड वीनस इन कैंसर रीडिंग में जाने से पहले वेरी क्विकली यही बताना चाहती हूँ कि मार्च महीने से जो है मैंने डिस्काउंटेड टैरो कोर्सेज मेरे जो हैं वो ऑफर पे दिए हैं एनी जो मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं जिस ढंग से मैं टैरो पढ़ती हूँ अगर आप uh, uh, इच्छा रखते हैं टैरो सीखने की तो uh, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से बैच स्टार्ट होगा डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आप जो हैं एडमिशन ले सकते हैं ऑल राइट वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी एंड द कनेक्टिंग एनर्जी रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप आपके पार्टनर जो हैं ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं राइट नाउ एनर्जीज़ क्या हैं आपके रिलेशनशिप की आपके पार्टनर की एंड द कनेक्टिंग एनर्जीज एनर्जीज़ योर पार्टनर्स एनर्जीज एंड दटिंग एनर्जी ओके कार्ड्स बहुत डिफरेंट uh, हैं बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा तो प्लीज़ uh, जैसा है आप वैसा ही देखें uh, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो लाइक ए सैट चेक योर अदर प्लेसमेंट्स uh, आपके हिसाब से ये जो प्यार है वो एक मटीरियलिस्टिक लव है जिस रिलेशनशिप में आप बंधे हैं वो जो है पैसे के लिए है या तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ पैसे के लिए बने हैं या आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है ज़बरदस्ती ये रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ फाइनेंस या मनी ये रिलेशनशिप में आप हैं uh, आपके पार्टनर को सॉरी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो अब्यूजिव हैं अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज आपकी स्टोरी आपको पता है वेदर uh, ये आपके पार्टनर सोचते हैं या सच्चाई है यू हैव टू डिसाइड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि uh, ये रिलेशनशिप में अब्यूज़ है अगर मटीरियलिस्टिक लव है एंड अब्यूज़िव रिलेशनशिप है तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में uh, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है वेरी वेरी स्पेसिफिक मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा एनर्जीज़ आर नॉट वेरी बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं मैं ऑलरेडी आपको बता सकती हूँ जस्ट विद द इंट्रोडक्शन आगे जाके देखेंगे वॉर वॉट इज़ हैपनिंग इन लव बट अब्यूजिव रिलेशनशिप है एंड मटेरियलिस्टिक लव है यहाँ पर एंड कनेक्टिंग एनर्जी जो है प्लेइंग द फील्ड है समडी इज़ नॉट रेडी टू सेटल डाउन पैसों के कारण या अब्यूज़ के कारण या इन एंड आउट एनर्जी के कारण जो है ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है या अनसेटल्ड फीलिंग है uh, ज़बरदस्ती या तो आप रिलेशनशिप में हैं फॉर मनी या अगेन एनर्जीज़ कैन बी एक्सचेंज या जो है आप रिलेशनशिप में रह के भी uh, और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो है मुझे ट्रू लव अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा है कन्वीनियंस uh, के हिसाब का मुझे जो है प्यार दिख रहा है एनी वे लेट्स आगे रीडिंग में क्या आता है फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप को लेके आप क्या सोचते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं एंड कनेक्टिंग एनर्जीज़ क्या हैं ठीक hmm, uh, है आपकी एनर्जीज या रिलेशनशिप में क्या है किंग ऑफ सोर्ड्स हैं एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है uh, आप या आपके पार्ट आपको किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ द एनर्जी ऑफ थॉट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए आप पे डेडिकेटेड आपके साथ डेडिकेटेड नहीं हैं आपको लगता है कि आ, ये जो रिलेशनशिप है वो कन्वीनियंस का रिलेशनशिप है आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो एक दूसरे अफेयर में इन्वॉल्व हैं या आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते हैं अपने काम को ज़्यादा टाइम देते हैं और आपको जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं आपकी एनर्जी जो है काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी हो गई है काफ़ी श्रूड एनर्जी हो गई है जहाँ पे आई थिंक आप जो है इमोशंस को अटेंशन uh, नहीं दे रहे हैं राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर आपसे कम्प्लीटली विदड्रॉ हो गए हैं फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी है um, सॉरी सिक् ऑफ वांट्स की एनर्जी है आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है कि आप जो हैं उनको गले गलत जज करते हैं सिक्स ऑफ वांट्स इज़ द कार्ड ऑफ पब्लिक रिकग्नेशन इट इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री इट इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि इज्जत कमाने वाला कार्ड है या इज़्ज़त जब सिक्स ऑफ वांट्स का कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि इज्जत है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप में उनको आ, ऐसा फ़ील होता है कि शायद आप उनकी इज्जत नहीं करते या जो आ, ये रिलेशनशिप में जो सक्सेस होना चाहिए था ये जो खुशी होनी थी वो इनको ये रिलेशनशिप में नहीं लगती है आपके इंसान जो है कम्प्लीटली विड्रॉ हो गए हैं आपसे बात नहीं करते हैं आ, उनको जो है ये रिलेशनशिप में बहुत स्टक फील होता है बहुत स्टैगनेटेड फ़ील होता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो हैं उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं कनेक्टिंग एनर्जीज़ जो हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की हैं एंड सेवन ऑफ सॉर्ट्स की हैं आप दोनों जो है राइट right नाउ ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप Uh, आप जो हैं यू आर बींग वेरी प्रैक्टिकल एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं आप जो हैं ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं और आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी uh, उदास हैं काफ़ी स्टक फील करते हैं ये रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में इक्वल इवेंट एक नहीं हुआ है दीज आर वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस अगर ये आपसे नहीं रेजोनेट होता है तो अगेन प्लीज़ चेक योर राइजिंग नस एंड मून साइन बट ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक अनहैपी रिलेशनशिप में है और एक रिलेशनशिप में है जो कन्वीनियंस के हिसाब से ही बना हुआ है आप दोनों जो है ये रिलेशनशिप में राइट नाव इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आपके पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं ऊपर ऊपर से चीज़ें सही लग रही हैं लेकिन अंदर से यू बोथ आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप या आप दोनों में जो है वो रिलेशनशिप का गैप हो गया है लेट्स uh, uh, आपके इंसान जो हैं वो आपके लिए फील क्या करते हैं आप उनके लिए क्या फील करते हैं एंड द कनेक्टिंग एनर्जीज व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन व्हाट डज योर पर्सन फील फॉर यू एंड कनेक्टिंग एनर्जीज़ ओके ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी शादीशुदा हैं आप लोगों को जो है कनेक्टिंग uh, एनर्जीज़ यहाँ पे यही है कि सोसाइटी के लिए या आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण आप ज़बरदस्ती इकट्ठा हैं उस पर यू आर कंटिन्यूइंग टू वर्क आप दोनों ने डिसाइड किया है कि जैसे चल रहा है चलने दो ये रिलेशनशिप जैसे You know, जैसे कंटिन्यू होता है होने दो सोसाइटी के लिए जो ट्रेडिशन है ट्रेडिशन को जो है आप लोग फॉलो कर रहे हैं योर पार्टनर इज़ नॉट इन आप जो हैं यू आर नॉट इन लव विद योर पार्टनर और आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और उसके कारण जो है आप काफ़ी काफ़ी स्ट्रेस्ड फील आउट फील करते हैं यू आर फीलिंग अ लिटिल एंशियस एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल अफ्रेड यू फील दैट दिस रिलेशनशिप इज़ कम्प्लीटली ओवर फॉर यू आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है यू uh, you were योर partner's विश फुलफ़िलमेंट एक ऐसा टाइम था जब आपके पार्टनर को लगता था कि उनको जो भी एक इंसान में चाहिए था वो उनको मिल गया है लेकिन जैसे टाइम गया उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ ये रिलेशनशिप में ख़राबी हुई है यू कुड बी डीलिंग विद अ टोरिस यू कुड बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो यू कुड बी डीलिंग विद एयरसाइन जमनाए अक्वेरस या लीब्रा uh, आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है कि उनकी सारी खुशी जो है वो मर गई है उनकी सारी खुशी जो थी जो आप उनकी खुशी थी कहीं ना कहीं वो चेंज हो गया है और उनके लाइफ में जो है राइट right ना कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कुछ ना कुछ जो है डेफिनेटली uh, बदल रहा है यस yes. आपके इंसान जो हैं पाइसीज़ uh, हो सकते हैं uh, आप लोग बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके इंसान जो हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं काफ़ी इमोशनल है काफ़ी हर्ट है ये जो uh, उनमें जो चेंजेस हो रही हैं या जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेके जो है वो काफ़ी uh, हर्ट हैं और काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं मून का कार्ड जब आता है तो उसका ये भी मतलब है कि मदर के कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या मदर के कोई इश्यूज भी हो सकते हैं लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं माई कंसेरियन फ्रेंड्स ये इंसान जो है काफ़ी डिप्रेस uh, हो सकते हैं एंक्शस हो सकते हैं uh, उनको ऐसे लगता है कि पूरा बचपन जो है शायद उन्होंने uh, उन उन्हों आपको दिया है या आपके साथ थे और ये जो विश फुलफ़िलमेंट थी ये जो है उनकी अब कम्प्लीटली चेंज हो गई है उनको शायद रियलाइज़ हो रहा है कि सम ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि शायद ये रिलेशनशिप जो है हेल्दी uh, नहीं है ऑल राइट रोमांस एंजल से जो है वेरी क्विकली देख लेते हैं वॉट आर द रोमांस एंजल्स टेलिंग आस अबाउट योर रिलेशनशिप For my concern friends. Okay. Uh, हार्ट टू हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सीन है आई uh, थिंक आप लोगों में जैसे मैंने कहा बात करना बिल्कुल बंद हो गया है रिलेशनशिप में इक्वल गिवेंट एक नहीं हो रहा है तो डिवाइन यही कहते हैं कि प्लीज़ हार्ट टू तो हार्ट तो हार कॉन्वर्सेशन करें वेरी सुन है यहाँ पे आई uh, थिंक बहुत जल्दी जो है आप लोग कुछ डिसाइड करेंगे कि आपको जो है क्या करना है uh, यहाँ पर पैशन है एंड फ्लर्ट है तो आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में जिस ढंग से काट जा रहे हैं पैशन बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे और फ्लर्ट भी नहीं दिख रहा है फ्लर्ट यहाँ पे है एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी एंड टू अदर्स तो आई थिंक uh, बहुत सीरियस टाइप का आपका रिलेशनशिप है जहाँ पे आई थिंक सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन की ही बात होती है एंड आई थिंक आप लोगों को जो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना है और बहुत जल्दी आई थिंक कुछ रेजोल्यूशन जो है आपके रिलेशनशिप में आपको मिलेगा लेट्स ये इंसान जो हैं इनके आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे और आ, आप दोनों के लिए जॉइंटली फ्यूचर क्या होगा फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स ओवरऑल uh, एनर्जी जो है फाइव ऑफ सोट्स की एनर्जी है uh, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में जो है फ्यूचर uh, में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है चिड़चिड़ हो सकती है थोड़ा सा जो है झगड़ा भी हो सकता है अगर आप ये कार्ड देखेंगे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक इंसान जो है काफ़ी डोमिनेटिंग है और दूसरे इंसान को दबा के रख रहा है एंड देन यू हैव मटीरियलिस्टिक लव एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप तो कहीं ना कहीं नोइंगली अनोइंगली एक इंसान जो है दूसरे इंसान को मैनिपुलेट uh, कर रहा है मे बी पैसों के लेके या यू नो फिज़िकली मेंटली इमोशनली देर इज अब्यूज फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है आई थिंक एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी uh, आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पे वी हैव द व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून द टेन ऑफ़ पेंटिकल्स एंड द सेवन ऑफ़ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। uh, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग जो हैं, uh, ये आपके फैमिली लाइफ को बेटर करने के लिए कोशिश करेंगे अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कोशिश करेंगे जॉइंटली uh, जो है यू विल ट्राई टू डू थिंग्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो uh, ये एक आदमी जो है एक हैप्पी फैमिली का चित्र ड्रॉ कर रहा है लेकिन सच्चाई जो है वो हैप्पी फैमिली की नहीं है एंड आई थिंक आप जो है चाहेंगे कि ये जो स्टक एनर्जी है जहाँ पे आपको फंसा हुआ लग रहा है यू you नो know, सब कुछ है लेकिन यू आर फीलिंग स्टक उससे जो है आपको बाहर निकलना है ए सो वॉन्ट्स की एनर्जी है यू आर वॉन्टिंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड आप आपके पार्टनर जो है लियो हो सकते हैं एंड यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट हैप्पीनेस या ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं अगर अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज लेकिन ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में सच्चाई चाहते हैं जो झूठी पिक्चर पेंट की जा रही है ये रिलेशनशिप के बारे में लोगों को लगता है कि यू नो आपके पास सब कुछ है घर है गाड़ी है बंगला है गुड एजुकेशन है यू लुक लाइक अ वेरी गुड लुकिंग कपल टुगेदर बट देआर डेफिनेटली सम इश्यूज़ इन योर रिलेशनशिप जिनको रिजोल्व करना है और उसके लिए जो है आई थिंक आपके पार्टनर कोशिश करते रहेंगे कि फॉर द सेक ऑफ़ द फैमिली या फॉर द सेक ऑफ़ सोसाइटी या आपका रिलेशनशिप या उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो काफ़ी कमिटेड हैं या ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ से उनको निकलना मुश्किल हो रहा है तो आई थिंक मार्च के महीने में जो है चीज़ें बदलेंगी दे विल डेफिनेटली चेंज जो साइकिल आपको स्टक लग रहा है वो साइकिल जो है वो चेंज होगा और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है फैमिली के लिए टू मेंटेन द पीस इन द हाउस और टू मेंटेन पीस जो है कोशिश करेंगे कि एक न्यू बिगनिंग uh, ये रिलेशनशिप में लाए लेकिन कहीं ना कहीं दैट स्टक फीलिंग इज स्टिल देर आई फील यू नो यू नीड टू गो टू अ काउंसलर या आपको जो है ये रिलेशनशिप को हील कैसे करना है उसकी ज़रूरत है बिकॉज द एनर्जीज हेयर आर वेरी हैवी एनर्जीज़ आई थिंक ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे दो लोग जो यू नो बहुत जो कंपेटबल नहीं है उनको जो है ज़बरदस्ती इकट्ठा लाया है ऑल राइट right. आपके पार्टनर के uh, आपके लिए मैसेज क्या हैं वाट आर द मैसेजेस फ्राम योर पार्टनर फॉर यू Any more messages? Uh, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपको प्यार करते हैं बिकॉज़ यू आर दे विश फुलफिलमेंट फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है ये रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं और ये रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी स्टेबल विद यू ये जो कार्ड्स हैं यू नो दीज आर ऑल मैसेज ऑफ लव एंड समहाउ मुझे ये रिलेशनशिप में लव नहीं दिख रहा है सो आई डोंट फील लाइक रीडिंग दीज कार्ड्स टूडे बिकॉज ज़ आई फील दैट दे विल नॉट गिव द राइट मैसेज बिकॉज जो एनर्जीज़ ये कार्ड में है यहाँ पे वो ये कार्ड में ये डेक में नहीं है बिकॉज बेसिकली दिस इज़ द डेक ऑफ मैसेजिज़ ऑफ लव बट यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी अ वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड अ मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप सो आई एम इंटूटिवली नॉट फीलिंग गाइडेड टू रीड दीज मैसेज बिकॉज डेफिनेटली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ये रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती से हैं एंड अपने प्रॉब्लम्स को जो है फेस करने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं विच आई अंडरस्टैंड इज़ नॉट ईजी बट आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ टू अड्रेस योर प्रॉब्लम्स मोनोलॉजी डेक से जो है देखते हैं फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स वॉट इज़ द मैसेज आई एम सॉरी इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग बट ये किसी ना किसी की तो ये सच्चाई है किसी ना किसी के साथ रेजोनेट होगा अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरा पाइल ज़रूर देखें अकॉर्डिंग टू योर मून राइजिंग एंड वीनस आपके लिए एडवाइस क्या है Okay. कंक्लूजनज़ आर विद इन रीच जो भी चीज़ें आपको uh, करनी है जिससे एक नतीजा निकलेगा वो विद इन रीच हैं बिकॉज़ यू हैव टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हैव फेथ इन योर ड्रीम्स आपकी जो ड्रीम्स हैं आपके जो एस्परेशन हैं आपके जो गोल्स हैं उनमें आप भरोसा रखें एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू जैसे मैंने कहा था कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे एक मखौटा है लोगों के लिए कुछ और बताते हैं आप और आपके पार्टनर लेकिन सच्चाई कुछ कुछ और है तो शो द वर्ल्ड द रियल यू की यहां पे एनर्जी है ऑल राइट फ्रॉम द एंजल्स वॉट मैसेजेस डू वी हैव फॉर माई कंसेर फ्रेंड्स आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स है और जैसे मैंने कहा था मे बी इफ़ यू आर इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप या आपको लगता है कि आप एक अनहैप्पी रिलेशनशिप है मे बी आस्किंग अदर्स फॉर हेल्प काउंसलर या किसी गाइडेंस विल हेल्प यू अपरचुनिटी है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जो है आपको आएगी दिस दिस इज़ लुकिंग मोर लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल सक्सेस और ग्रेटिफिकेशन दैट यू वुड बी गेटिंग कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग इन योर रिलेशनशिप एंड देन यू हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर आप ये रिलेशनशिप को इसी तरह अगर कंटिन्यू करेंगे तो आई थिंक डिवाइन आपको कहता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा uh, नहीं तो यू विल हैव टू टेक सम एक्शंस व्हिच विल ब्रिंग सम हेल्दी एनर्जीज इनटू द रिलेशनशिप आई एम सॉरी माय कैंसर फ्रेंड्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग थी एक ही स्टोरी लाइन थी किसी ना किसी के साथ जरूर रेजोनेट होगा द रेस्ट ऑफ यू कैन प्लीज़ चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस एज ऑलवेज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशन हाई वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट एंड आई विल सी यून योर रीडिंग थैंक यू सो मच